हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि पाक चीन दोस्ती हिमालया से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और कुछ नया बस अब दोस्ती खत्म। खेत के बीच में जनवरी में जंगली सुअर को भगाते हैं ना, वैसे चाइना भागेगा। चाइना तो भागेगा ही, लेकिन पाकिस्तान उसको कैसे मनाएगा ये भी तो देख लो। होगा और ऐसे ऐसी आवाजें आएंगी कि वहां से पैर पकड़ कर जूती भी नहीं मिलेगी, ऐसे भागेंगे। कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं एक जिस्म के मानेंदे। अच्छा, अबे भाई अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। ओके। आजकल दौर ऐसा आ गया है, हलवा पकाओ। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ का असर होगा। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? चाइना के पीछे लगे हुए अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं वो। चाचा गलत हो रहा है, बिल्ली नहीं खाते। अब आए ना लाइन पे, कुत्ता खा लेते हैं वो, मेंढक भी खा लेते हैं। अब आप बोलेंगे किराहत आ रही है, किराहत क्यों आ रही है? सुनते जाइए। हमारे बड़े फरमाते थे कि अल्लाह पाक कभी ना कभी ऐसे लोगों से भी काम ले लेगा कि जो इस्लाम को जानते भी नहीं होंगे और मानते भी नहीं होंगे। वाह वाह जाहिल, वाह क्या बात है। और ऐसा ही आसमानी ज्ञान ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना या पढ़ाने वाले मौलाना ही दे सकते। लानत इनके ज्ञान पे, जाहिल खुद तो जाहिल है, आने वाली नस्लों को भी जाहिल करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी हो ये कौम जहालत दिखाने में नंबर वन है। सही बात है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं का शिकार हुए चले जा रहे हैं। ये इत्तेहाद जो बांधने हैं यहूदियों के, ये तो सारे इसीलिए बांधने हैं ना, को हमें पाकिस्तान को घेरा डालने के लिए। अब मुझे यकीन हो गया है कि जो एटमी इस्लामी रियासत को इंतशार का शिकार करने के लिए जो साजिश की गई और जो साजिशी किरदार तख्लीक किया गया, वो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको ऐसे ऐसे लॉलीपॉप थे, 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 लॉलीपॉप दे दिए कि उनको ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा दी कि आप उसी में भागते जाओ आगे। ये मौलाना टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों भागेगा भाई, ये तो बेहतर उरों के पीछे भागने के लिए पैदा हुआ है, चार चार शादी करने के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में why is the international community silent? ये हमारी कोताही है अकेली पाकिस्तान की कि हम आवाज नहीं बन सके। जैसा कि आपको पता है कि अरबिक स्टाइल में एक आखिरी मस्जिद चाइना में बची हुई थी, चाइना ने उसको तोड़ के भी चाइनीज कल्चर के हिसाब से ढाल दिया। चाइना के अंदर दाढ़ी रखना, चाइना के अंदर टोपी पहनना, मोहम्मद नाम रखना, कुरान पढ़ना, सब कुछ बैन कर दिया है। एक वीडियो में तो मैंने ये देखा था कि चाइना के अंदर एक मस्जिद है, नीचे पूरा मॉल चल रहा है, ऊपर मस्जिद है, और उनमें मस्जिद भी नहीं पढ़ने दी जाती, सिर्फ जुम्मे के दिन इजाजत दी जाती है, और 150 आदमियों से ज्यादा को नहीं दी जाती है, वो भी लोकल आदमियों को, बाहर का आदमी तो उसमें जा भी नहीं सकता है। और जब आप उस मस्जिद को दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे 5-7 हज़ार आराम से नमाज पढ़ लेते होंगे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। चाइना ने ऐसा खेल खेला इन मोमिनों के साथ में, इस आसमानी कौम के साथ में, और इन पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता भी नहीं है। अरे देवा, ये तो समझते हैं कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त है। अबे बिल्कुल गलत फहमी है ये। और दोस्त पीठ में छुरा घोंप रहा है, पाकिस्तान भी छुरा घोंपने में मायरे पीठ पे, और चाइना तो उसका बाप है। पाकिस्तान का सिर्फ एक बाप है, मेजर गौरव आर्य। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तान के मदरसे के मौलाना यानी कि जाहिल मौलाना, जाहिल आवाम आज आपको करेगी मनोरंजन। फुल जालत है, फुल जालत। आज तो मजा आने वाला है, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, हम अगर चाइना के साथ चलें तो ये खुशहाल बात है, बड़ी अच्छी बात है। चाइना हमारा शुरू से दोस्त रहा है, कभी उन्होंने बेवफाई नहीं की। अमेरिका ने तो हमारे साथ कई दफा बेवफाई की है, ये लेके क्या नाम है, अबे जल्दी बोल, जौलाक से लेके तो हम देख रहे हैं तारीख को, ठीक है। तो बेवफाई करता है अमेरिका, ठीक है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बिला खौफ मैं ये बात बिला झिझक कर रहा हूँ। चाइना ने कभी बेवफाई नहीं की, चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है, फिर भी वो हमारे साथ वो सही चला है। अरे चाचा रखेलों से कौन बेवफाई करता है, पाकिस्तान चाइना की रखेल है, पहले अमेरिका की थी, अमेरिका वालों ने लात मार दिया। तुम गिड़गिड़ाते हुए चाइना के पैरों में चले गए, चाइना ने तुम्हें अपनी रखेल बना रखा है, और रखेलों को कभी किसी से शिकवा नहीं होता चाचा, तो तुम हो चाइना की रखेल। आपको लगता है कि वो गजा वाली वॉर रुकवा सकते हैं जी? आपको लगता है वो गजा की वॉर रुकवा सकते हैं जो खुद मुसलमानों का इतना बुरा हाल कर रहे हैं चाइना के अंदर? चाइना बुरा हाल कर रहा है मुसलमानों का? हाँ भाई हाँ, चाइना के अंदर जो मुसलमान है उनकी कंडीशन देखें। लेकिन हमेशा से यही होता आ रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है। अमेरिका में भी जब छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो वो भी मुसलमानों का ये तलाशियों के बहाने से बुरा हाल करते हैं। मैं जब भी कोई इधर खुदा न खासा को मामला हो जाते हैं तो वो ये तलाशी के बहाने से हमारे बड़ा जलील करते हैं, मुसलमानों को जलील करते हैं।
ये सही था चाचा, ये सही था। मुसलमान पैदा ही जलील होने के लिए होता है चाचा। और नहीं तो क्या। चले अमेरिका में ये कानून नहीं है कि मस्जिदों को तोड़ना या मस्जिदों के स्ट्रक्चर को चेंज करना, चाइना ने ये कानून बनाया 2019 में। ये कानून बनाया कि हम हर मस्जिद का नक्शा बदल के चाइना के मुताबिक कर देंगे। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ा भी रिसेंटली, उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ये 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दी। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी। मस्जिद को शहीद करना कोई वो नहीं है, अगर उसके मुतबादल अगर कोई अच्छा वो कुछ करना चाहते हैं। अच्छा करना चाहते हैं, मस्जिद तोड़कर क्या करेंगे वो? नहीं, मस्जिद ऐसे मस्जिद तो शहीद की जाती है न्यू बनाने के लिए, तो शहीद करना कोई बुरी बात नहीं है। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। बनाने के लिए नहीं की उन्होंने। अगर उनका ये कोई प्लान है कि इसको इस सिस्टम को चेंज किया जाए, पे मैं कहूंगा कि वेरी बैड। उन्होंने कहा मौलवियों को आप लोग दीनी तालीम नहीं दे सकते बच्चों को। ये तो मुझे तो पता नहीं था, ये तो फिर शेम वाली बात है, बहुत बुरी बात है। पीस प्रमोट करेंगे सर। वो क्या पीस प्रमोट करेंगे फिर, वो तो वेरी बैड। अगर वो मस्जिद को शहीद करके तो उसके मुतबादल नहीं बना रहे और कोई सिस्टम को ही चेंज कर रहे हैं, तो ये तो वेरी बैड। चाचा की आवाज रख गई। अरे वाह जाइ लो वाह, अभी तो चाइना को हमारा दोस्त है, हमारा हमसाया है, हमारा हम वतन है, इतनी बकचोदियां मार रहा था और अब वेरी बैड वेरी बैड। कैरी ऑन चाचा। मालिक को अब उनके साथ गठजोड़ करना चाहिए। मेरा ख्याल से फिर ऐसा अगर मामला है तो फिर नहीं करना चाहिए। वो चाइना को और इंडिया को काउंटर करने के लिए ये सारे पापड़ बेल रहे हैं। सारे पापड़, ये तो आई अंडरस्टैंड, ये तो शुरू से ये सारा ये हमारे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ ये तहार जो बांधने हैं यहूदियों के, ये तो सारे इसीलिए बांधने हैं ना को हमें पाकिस्तान को घेरा डालने के लिए, यहाँ के मतलब जो सारा सिस्टम है, कंट्रीज हैं मुसलमान ममालिक, उनको घेरा डालने के लिए सारा शुरू से करता है। अल्लाह के फजल करम से कभी कामयाब नहीं होगा कोई भी मुसलमानों के खिलाफ कामयाब नहीं होगा। मेरे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि ये साजिशें करते रहेंगे, ये उनका काम है, लेकिन हम हक पे खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, अल्लाह हमारा साथ दे रहा है। हिंदू लॉबी सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों चलती है, बाकी कंट्रीज पर क्यों नहीं चलती? देखो इसका जवाब तो इजहल क्या देगा तुम्हारे को, मैं देता हूँ तुम्हें आज इसका सबसे सटीक और सबसे राइट आंसर, जिसको सुनने के बाद में तुम भी मानोगे और जो भी मुसलमान सुन रहा होगा वो भी मानेगा। जरा सुनिए, क्योंकि ना तो तुम हिंदू रह पाए ना तुम मुसलमान बन पाए, तुम हो कन्वर्टेड मुसलमान। 99.99% साउथ एशिया के जितने भी मुसलमान है सबके सब कन्वर्टेड है, सबके सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। और सबसे कमाल की बात में सऊदी अरब है तो साउथ एशियन मुसलमानों को अल हिंदी मस्किन कहते हैं, इसका मतलब दोयम दर्जे का मुसलमान, वो तुम लोगों को मुसलमान भी नहीं मानते हैं। और तुम ज्यादा मुसलमान दिखने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और ऐसी जालत भरी बातें करते हो, ऐसे जालत भरे काम करते हो, इससे तुम जलील होते हो, ख्वार होते हो, आटे के लिए तरस रहे हो, $1 बिलियन के लिए IMF के आगे लेटे पड़े रहते हो। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं, क्या इज्जत है हमारी आज, उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम सच्चाई को स्वीकार करो, तुम मानो ये चीज, हम कन्वर्टेड है, हम कन्वर्टेड मुस्लिम है, हम हिंदुओं की औलादे हैं। जिस दिन ये बात तुम स्वीकार कर लोगे तुम्हारे आधे कष्ट उसी दिन खत्म हो जाएंगे। सर जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, हम इम्पोर्टेंट हैं, हम बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम जब अपना लाइन चेंज करेंगे तो फिर हम ये सारे मसले हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उस पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, सिंपल सी बात है। हम मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। हट रहे हैं, जब हम लाइन से हट रहे हैं तो फिर जाहिर हम नुकसान उठाएंगे। कैसे हम लाइन से हटे हुए अभी हम हट रहे रही है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार पे वो नहीं ना अमल कर रहे, हम उससे चेंज हो रहे हैं, तो जब चेंज हो रहे हैं तो फिर जाहिर है नुकसान तो फिर सामना करना पड़ेगा। जब तक तुम लोग घर वापसी नहीं कर लेते, जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेते हमारे पूर्वज हिंदू थे, जब तक तो तुम्हें नुकसान उठाते ही रहना पड़ेगा। आप हमें बताइए ना। तो पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन जाहिलों को जूता मारते हुए जरूर जाइएगा। जूते मारने में बड़े मजा आते हैं ना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।